आज मैं आपके लिए कोरोना से बचने के लिए चार ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी को लेके आई हूँ, जिसको आपने अगर फॉलो कर लिया अपनी लाइफ में तो कोरोना नाम की बीमारी आपको छूने भी नहीं पाएगी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस बार कोरोना बिल्कुल नए फॉर्म में आया है, वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हम लोग लापरवाही कर देते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आजकल हर कोई खुलेआम घूम रहा है, इसकी वजह से कोरोना बहुत तेज़ी से सभी लोगों में फैल रहा है। आजकल ये जितनी तेज़ी से फैल रहा है, हमें उससे डबल हमें इसका प्रिकॉशन करना चाहिए। प्रिकॉशन क्या क्या है जो हम घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं? आप हर कोई बहुत होशियार हैं जो आप इसे कर सकते हैं, आप कर भी रहे होंगे, लेकिन इस टिप्स को आप एक बार ज़रूर जान लीजिए। इससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये चार कौन से उपाय हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। नंबर वन है स्टीम, यानी भाप लेना। जैसा कि आप हर कोई बहुत सारे लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन देखिए भाप हम किस तरह से ले सकते हैं। भाप की मशीन भी आती है, स्टीमर आता है जिसे आप अपने घर में रख के इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप किस तरह से स्टीम ले सकते हैं, मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊँगी। आपको एक पैन में पानी को रख के अच्छे से बॉयल कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं गैस स्टोव पर हमने रख दिया है, पानी अच्छे से उबाल लेना है। ये भाप हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब हम स्टीम लेते हैं तो नाक और गले के थ्रू ये जब स्टीम जाता है तो अगर कोरोना मान लीजिए इफेक्टिव हो गए हैं तो ये पहले स्टार्टिंग में नाक और हमारे गले में होता है। इससे भाप से क्या होता है, वो वहीं पे डेड हो जाता है और ये अंदर हमारे शरीर में इन्फेक्शन नहीं फैला पाता है। इसलिए हमें ये स्टीम हमें डेली लेना चाहिए। देखिए लेने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, एक जग ले लीजिए, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो एक जग ले लीजिए, उसमें पानी को रख लीजिए, एक ढक्कन से उसे प्रॉपरली कवर कर लीजिए, फिर ऊपर से आप कोई दुपट्टा रख सकते हैं, कोई टॉवल रख सकते हैं। इस तरह से आप करके अपने मुँह पर उसको लगाइए और नाक और मुँह से उस भाप को स्टीम को खींचिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं इसमें कोई दवा डालिए, आप प्लेन पानी से ही ले सकते हैं। नंबर सेकेंड पर आता है गलाला, यानी गार्गल करना। तो ये गलाला बहुत ज़रूरी होता है। तो गलाला हम कैसे करें, सिंपल पानी आप ले सकते हैं, उसमें नमक डाल के भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो महामारी फैला, इसके लिए आपको बहुत ही हेल्दी सा इंग्रेडिएंट होता है हल्दी। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो आप उसे डालिए, नहीं है तो आप हल्दी पाउडर इसमें आधा चम्मच पानी में डाल लीजिए और पानी को अच्छे से गरमा लीजिए, यानी इतना गरमाइए जिससे आप आसानी से गलाला कर सकते हैं। इतना आपको पानी को गरमा लेना है। अब गरमा के आप इसे किसी भी गर्म बॉटल में रख लीजिए और आपको इसके कम से कम दिन में 3 बार गलाला करना है। गलाला करने से क्या होता है, मैं गले में कोई भी अगर बैक्टीरिया है, कोई भी इन्फेक्शन है, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये हल्दी पानी जो होता है गलाला के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिए, हल्दी पानी से गलाला आप कम से कम दिन में 3 बार ज़रूर करिए। अगर आप इसे करते रहेंगे तो आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। आजकल घर में खुलेआम लोग बाहर भी जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं और अपने ऑफिस पे भी जा रहे हैं, काम पे भी जा रहे हैं, लोग बाहर घर में आते हैं वापस, तो उन्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए, गलाला करना चाहिए, हल्दी पानी से स्टीम लेना चाहिए। ये सारी जो प्रिकॉशंस है, अगर आप ये करेंगे तो आप खुद को भी बचाएंगे और अपनी फैमिली को भी इससे दूर रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये गलाला वाला पानी तैयार हो गया। तो आप इस तरह से टर्मरिक पाउडर डाल के गलाला करना स्टार्ट करिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव सी ये रेमेडी, अगर आप इसे करके देखेंगे तो आपको इसका बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा। इसे गलाला करने से गले में कोई भी तरह का इन्फेक्शन होता है वो तुरंत सही हो जाता है। तो ये देखिए हम इस पानी को छान ले रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कच्ची हल्दी यूज़ की थी तो उसके पीसेज हैं, तो इसको हम छान लेते हैं और फिर आप देखिए कितना बढ़िया सा हमारा गलाला वाला पानी बनके तैयार हो गया। तो आप इससे गार्गल करिए, इससे करने से गार्गल करने से हमारे गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो वो वहीं पर डेड हो जाता है और इससे हमारा गला भी सही रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रेमेडी है, ये सेकेंड रेमेडी, आप ज़रूर इसे फॉलो करिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, आपके साथ साथ आप पूरी फैमिली को ये गार्गल करवाना चाहिए इस पानी से। इसे करने से ये जो इसमें कोरोना का ये वायरस फैला हुआ है, इससे हम बहुत ही अपने आप को बचा सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ प्रिकॉशन है, हमें प्रिकॉशन ज़रूर करना चाहिए। नंबर थर्ड पे आता है कि हम किस तरह से काढ़ा बनाएं। ऐसा काढ़ा कैसे बनाएं कि जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मेडिकेटेड हो और बहुत हेल्दी हो। तो हम आपके साथ एक काढ़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी भी होती है, साथ साथ इतनी हेल्दी है कि किसी भी तरह के वायरस बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी में है तो वो बिल्कुल हमारी बॉडी को उससे दूर
दूर रखेंगे, हमारी इम्यूनिटी पावर को इतना मजबूत करेंगे कि ऐसे वायरस बैक्टीरिया ऐसी बीमारी से लड़ने के लिए हमारी बॉडी बिल्कुल रेडी रहेगी। तो देखिए बहुत ही हेल्दी से इंग्रेडिएंट हम लिए हैं। यहाँ पे गिलोय की स्टिक लिए हैं, एक खड़ी इलायची लिए हैं, दालचीनी का स्टिक है, यहाँ पे तुलसी के पत्ते हैं, लौंग है, काली मिर्च है और सेंधा नमक है, छोटी इलायची दो है, तो ये और कच्ची हल्दी हमने थोड़ा सा लिया है और अदरक लिया है। तो ये देखिए दालचीनी की स्टिक और ये लौंग और ये एक बड़ी इलायची और ये गिलोय का स्टिक है। अगर आपके पास गिलोय स्टिक नहीं है तो इस तरह से रेडीमेड पाउडर भी गिलोय का आता है, आप उसमें थोड़ा सा 1/4 स्पून के करीब डाल सकते हैं। तो अगर गिलोय स्टिक नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन गिलोय स्टिक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप इसमें पाउडर यूज करिए या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए जितने हमने खड़े मसाले लिए थे काढ़े के लिए, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, इन सबको हम अच्छे से दरदरा सा कूट लेते हैं। आप किसी भी कूटने वाले में भी कूट सकते हैं। तो इस तरह से सारा करने से देखिए इस तरह से टूट जाता है। अब पानी हम देखिए एक मग में एक पैन में पानी डाल दे रहे हैं, काढ़ा जितना बनाना है। तो यहाँ पे 2 गिलास के करीब आप पानी डाल दीजिए, यानी 2 बड़े गिलास आप पानी डालिए। देखिए छोटे गिलास से डाल रहे हैं यहाँ पे हम, तो आप 2 गिलास इसमें डालिए और 1 गिलास आपका रहना चाहिए, यानी जितना आप पानी डाल रहे हैं आपको इसका हाफ क्वांटिटी तक इसे पकाना है। अब इसमें हम इसमें डाल दिए जो हमने खड़े मसाले थे उनको डाल दे रहे हैं। यहाँ पे 1 चम्मच के करीब हल्दी है, कच्ची हल्दी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, 1 चम्मच के करीब अदरक है और तुलसी के पत्ते हैं 10 से 15। ये इस तरह से आप काढ़ा बनाएंगे, ये काढ़ा बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही हेल्दी है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जैसे हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है और ऐसी बीमारियों से लड़ने में हमारी बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब देखिए काढ़ा बन के तैयार हो गया, हम इसे छान लिए हैं। बस आपको इस काढ़े को पूरा 1 गिलास इस तरह नहीं पीना है। देखिए हमने 4 गिलास डाला था तो 2 गिलास हमारा बन के तैयार हुआ है। तो आप एक बार में कितना पियेंगे ये हम आपको बताएंगे। अब इसमें आप थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिए, टेस्टी भी हो जाएगा और लेमन भी बहुत ही हेल्दी होता है काढ़े के लिए। तो आप इस तरह से डालिए, अगर सर्दी जुकाम बुखार ऐसी बीमारियाँ भी हैं तो आपकी इस काढ़े से ही वो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये काढ़ा बहुत हेल्दी है, आप एक बार में इस तरह से चाय वाले कप से आधा कप एक बार में पीजिए। तो आप इसे बना के किसी गर्म बॉटल में रख सकते हैं और आप इसे दिन में कम से कम जैसे मैंने बताया है आधे कप अगर आप पीते हैं तो आप 3 बार इस तरह से पी सकते हैं, सुबह दोपहर और शाम को। यानी मॉर्निंग में आप इसे टी के टाइम पे पीजिए और रात को सोते समय आप ज़रूर पीजिए। ये काढ़ा ये बहुत हेल्दी है, आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट है। तो अगर आप मीठा इसमें पसंद करते हैं तो आप गुड़ डाल के बनाइए। तो ये देखिए हमारा काढ़ा बनके तैयार हो गया, बहुत ही हेल्दी इफ़ेक्टिव काढ़ा है। अब चलिए हम आपको बताते हैं लास्ट में क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर, ये बहुत ही ज़्यादा सबसे मस्ट है। आपको हर समय मास्क लगा के रखना है। अगर घर में कोई भी फैमिली मेम्बर बाहर आ जा रहा है तो भी आपको घर में वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि और फैमिली मेम्बर को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो इसलिए आप अपने आप को थोड़ा अलग करके रखिए या फिर आप मास्क लगाए रहिए। मास्क से बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी होती है और साथ में सैनिटाइज़र हाथ में आप कम से कम दिन में 2 से 3 बार सैनिटाइज़ करिए अपने हाथ को। अगर आप कोई भी बाहर की चीज़ छू रहे हैं या मार्केट से कोई सामान आया उसे छू रहे हैं तो उसे पहले सैनिटाइज़ करिए और उसके बाद आप उसे यूज़ करिए। आप मास्क लगा के आते हैं तो मास्क अगर आपका यूज़ एंड थ्रो वाला है तो आप उसे तुरंत बाहर ही फेंक दीजिए, और नहीं है उस तरह तो आप सैनिटाइज़ करके उसे कहीं अलग जगह पर रखिए। अब इस तरह से हाथों को अच्छे से सैनिटाइज़ कर लीजिए। सैनिटाइज़ करना नहीं, सैनिटाइज़र आप यूज़ कर रहे हैं तो आप साबुन, सिंपल साबुन जो घर में आता है, डेटॉल है या लाइफबॉय है, उसे अपने हाथ को कम से कम दिन में 4 से 5 बार वॉश ज़रूर करिए। कोई भी बाहर की सब्ज़ी आ रही है या खाने पीने की कोई चीज़ आ रही है आप उसको छू रहे हैं तो उसे सैनिटाइज़ करिए, हाथों को अच्छे से साबुन से वॉश करिए। ये आपके लिए बहुत मस्ट है। मास्क और सैनिटाइज़र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि मास्क अगर आप लगाए रहते हैं तो आप इस बीमारी से बहुत ही दूर रहेंगे। मास्क बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी रखता है, तो आपको हर समय मास्क अपने मुंह पे लगा के रखना है और नाक और मुंह दोनों को कवर करके प्रॉपरली रखना है। ये कोरोना से बचने के लिए बहुत ही बेस्ट सा ये उपाय है। आप सभी बहुत होशियार हैं, हर किसी को ये जानकारी होगी, लेकिन मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया कि मुझे लगा कि आपके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप दूसरों को इसे ज़रूर शेयर करिए। देखिए सिंपल सोप है, आप सिंपल सोप से भी अपने हाथ को दिन में कम से कम 3 से 4 बार वॉश किया करिए, क्योंकि हाथों को बार बार धुलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप इन 4 उपायों को करके देखिए। अगर आप ये रेगुलर अपनी दिनचर्या में इसे
फॉलो करेंगे तो आप इस बीमारी से बहुत दूर रहेंगे, क्योंकि बीमारी जिस तरह से फैल रहा है कभी भी किसी को भी ये हो सकता है। तो अगर आप इस तरह से प्रिकॉशन करते रहेंगे, डेली आप इस तरह से एक्टिव रहेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, तो आप खुद भी प्रोटेक्ट रहेंगे, अपने फैमिली मेम्बर को भी सेफ रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसीलिए शेयर की हूँ क्योंकि मुझे लगा ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके लिए आप हमें लाइक्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने लाइक दीजिए, नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक दीजिए, क्योंकि आज का जो माहौल है मैं आपके साथ इसलिए इस वीडियो को शेयर की हूँ। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Bye-bye. Take care.